हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेंडरिंग नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आम स्टोन एज कंटिन्यू करते स्टोन एज्रे कौन आम पढ़े ना, आम फास्ट जो पैलियोलिथिक एज टी पढ़ी देन आम मेजोलिथिक एज टी पढ़ी आज थर्ड आम आज पढ़ा नियोलिथिक एज टी को बुझे फ्रेंड। तो नियोलिथिक एज मैंने कौन जमीक कही पैलियोलिथिक एज हूँ आपंकर पुरतन प्रस्तर जुग और मेजोलिथिक एज हूँ आपंकर मध्यम प्रस्तर जुग से हीपरी आपंकर नियोलिथिक एज टी हूँ फ्रेंड्स आपंकर नूतन प्रस्तर जुग मैंने प्रस्तर जुगर यहाँ सब न्यू पार्टा न्यू पार्ट मैंने कौन मैंने एंड हे जो जा बुझे फ्रेंड्स। जो स्टोन एज टी चलता आपंकर धीरे 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 तार अवसान घटू फास्ट गोटे थी सेकेंड फेज थी बर्तमान आम थर्ड फेज मैंने लास्ट फेज जो अच्छी जोटी तापरठ स्टोन एज टा देखा जा ना स्टोन अधिक यूज होता से लास्ट बा न्यू एज जोटा कहते न्यू मैंने कौन न्यू ओके फ्रेंड। तो न्यू मैंने कौन लाटेस्ट एटा लाटेस्ट लिथिक एज जोटा थी आपंकर स्टोन एज टा से फेजटा कह आपर नूतन प्रस्तर जुग बा नियोलिथिक एज बुझे फ्रेंड्स। तो चलते स्टार्ट करवा नियोलिथिक एज टी कौन थी से विषय किसी तथ्य नहीं जावा। तो फ्रेंड्स एटा मन रखुद कौन दे आपर द पीपुल ऑफ दिस एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ अ पॉलिश्ड स्टोन। तो फ्रेंड्स मुझे कही आपको पैलियोलिथिक आउ मेजोलिथिक एज्रे जो लोक मैंने यूज करते जो जेकोस प्रकार टूल्स टूल्स मैंने कौन फ्रेंड्स उपकरण पथर उपकरण जब सब आम कारण मुझे अलरेडी प्रथम कही लिथिक एज मैंने कौन एटा स्टोन एज। तो स्टोन मैंने पथर तो सबुतक जितक भी उपकरण व्यवहार करते सबकि पथर रोला। तो यही जुगर लोक मैंने पॉलिश पथर उपकरण और व्यवहार करते बुझे। तो जिते भी आगुरी दुईटा जगह एज थे से लोक मैंने पॉलिश नए पॉलिश मैंने कौन मैंने जो जेकोसी उपकरण यूज करते भल ना ओके फ्रेंड्स भले से खावड़ा आम कही आबड़ा खावड़ा मैंने जेकोसी उपकरण को व्यवहार करुते मात्र यही नूतन एज्रे कौन कला धीरे धीरे मनीष इवल्व होवर से पुणी थे पॉलिश्ड कला से स्टोनटा को धीरे धीरे शार्प कला धारुआ कला से टाइप से कौन कला मैंने टूल्स गुड़ाक व्यवहार कला ओके फ्रेंड्स। दे पर्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेस ओके फ्रेंड्स। तो एक्सेस मैंने कौन जानते हैं कुराड़ी। तो स्टोन जो पथर या कौन कला कुराड़ी की व्यवहार कला कुराड़ी मैंने आपने देखते बहुत शार्प थाए तो से कुराड़ी को धीरे धीरे मैंने से पथरटा को शार्प करी कुराड़ी सदृश कला देन से यूज कला मात्र से संपूर्ण स्टोन ही से कौन कला धीरे धीरे पॉलिश करी यूज कला ओके फ्रेंड। तो बुझे ये कौन ना फास्ट नियोलिथिक एज्रे से माने टूल्स गुड़ाक पॉलिश करवा शिखिले यहाँ आप गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट एड देखिए कौन देखो इट इज इंटरेस्टिंग दैट इन बुर्जाहम डॉग्स वेर बोरीड विथ देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स। तो बुर्जाहम गोटे जगह जोटा कि आपंकर जम्मू एंड काश्मीर एटा फ्रेंड्स रोचे मन रखी दिखाते फ्रेंड्स यहाँ इंपोर्टेंट टॉपिकटा बुर्जाम गोटे जगह जो आपंकर जम्मू एंड काश्मीर रोचे से कौन रोचे ना मास्टर मानकर ग्रेव्स सहित ग्रेव्स मैंने कौन ये देखिए आपंकर मास्टर मानकर कबर कबर मैंने जो जो पोता जाए लोक मूँ ओके फ्रेंड्स से कबर जो पोता जाए से मनीष मरीगले जोटा को तो सैटा कौन सहित मास्टर सहित डग गुड़ाक पोता जाए ओके फ्रेंड्स। तो बोरीड विथ देयर मास्टर्स तो डग गुड़ाक पोता जाए तो जना पड़ा कौन से डोमेस्टिकेसन करुते कौ मैंने नियोलिथिक एज्र लोक मैंने डोमेस्टिकेसन करुते मैंने आनिमल्स मानक मुझे पशुपालन जोटा कौन आम तो डोमेस्टिकेसन पशुपालन से करते तार ट्रेसेस आम कौट पाई जम्मू काश्मीर बुर्जाम फ्रेंड्स एटा मन रखिए मुझे आपको मैप्रे देखी दूँ बुर्जाम देखते फ्रेंड्स आपंकर जम्मू काश्मीर कौट रहा देखो ये रही आप बुर्जाम जम्मू काश्मीर ये आपंकर रोचे इंपोर्टेंट ये कौन मिले ये आपको मैक्सीम ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन परीक्षा पचारि जम्मू काश्मीर बुर्जाम आपंकर डग्स मानकर डग्स मानक कौन मिले डग्स मानक स्केलेटन से मास्टर ग्रेव सहित मिलता है ओके फ्रेंड्स। मैंने से जे मास्टर थे ग्रेव वार्ड सहित एटा कौन मिलता है ना डग मानक स्केलेटन टी मिलता है से जना पड़ा मास्टर सहित डग्स को पोता जाए बुझेगा फ्रेंड्स। तापर देखो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला द नियोलिथिक सेटलर्स वेर द अर्लीएस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज ओके फ्रेंड्स। तो नियोलिथिक सेटलर्स मैंने नियोलिथिक फेज्रे जो लोक मैंने धीरे धीरे जो मैंने बचुले से कौन ना बा चलुले से नियोलिथिक फेज्रे से कौन कर ना फार्मिंग कम्युनिटी धीरे धीरे कले मैंने कौन मैंने से धीरे धीरे चाष कार्य को फार्मिंगटा कौन कले मैंने इवल्व कले आगे जो दुईटा फेज थी आपंकर पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक फार्मिंगटा एत भल से ना कि यापर पर जो नियोलिथिक आसला नियोलिथिक फेज्रे फार्मिंग कम्युनिटी आसलि मैंने बर्तमान लोक मैंने मैक्सीम कम्युनिटी कर फार्मिंग कले चाषवास कले ओके फ्रेंड्स। तो एग्रीकल्चर ये तार ट्रेसेस मिलला देन देखो मैंने कौन थे चाष करते दे प्रड्यूस्ड फर्स्ट रागी रागी कौन फ्रेंड्स रागी हूँ आपको जो मिलेट बाजरा जो कौन ओके फ्रेंड्स। तो रागी मिलेट जो मिलेटा फा चाष करते देन आउ कौन चाष करते हॉर्स ग्राम मैंने कौन कुलथी कौन कहते कुलथी तो सी जो हॉर्स ग्राम और कुलथी गुड़ा से कौन करते नियोलिथिक्र बासिंदा मैंने कृषि को कृषि फास्ट मैंने रागी आउ कुलथी को चाष करते बुझेगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट पॉइंट को जी
नेक्स्ट पॉइंट रेट देखो कौन दे आपण नियोलिथिक साइट्स इन अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर नोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस इन द सिक्स मिलेनियम बीसी माने ख्रीष्टपूर्व षष्ठ सहस्र वर्ष से चाउल चाष अलाहाबाद जिलार नवकलवर स्थान गुड़िक उल्लेख कर मैंने नुआ नुआ जगह जो कौन कर ना चाष कार्य कौन चाष कर राइस चाष कर कौ जगह से आपंकर अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से रोला तो नियोलिथिक साइट्रे मिली कौटी ना अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट लोक मैंने कौन करते कल्टिवेशन करते राइस रो ओके फ्रेंड्स तो अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट रे नियोलिथिक फेज लोक मैंने राइस रो कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते तो फर्स्ट आम देखे कौन रागी चाष करते देखे देन तापर कौन देखे हॉर्स ग्राम चाष कर देते हॉर्स ग्राम को कल्टिवेट करते देन तापर राइस रो ट्रेसेस मिलला आपंकर अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बुझेगा फ्रेंड्स के आपंकर सिक्स मिलेनियम बीसी रही है एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देखो फ्रेंड्स मुझे आप सबुतक ये जो नियोलिथिक जेको स्टोन एज्र जिते भी सब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट रहा है से गुड़ाक ही आम आपको ये देखो आप सबुतक पढ़ा किसी दरकार नहीं एक्जाम ओरिएंटेड जितक भी क्वेश्चन आसूक आम से गुड़ाक अनुसार आम युवा सब सजे तो आपने कौन बह को फलो करा दरकार नहीं डायरेक्ट यही नोट को ही प्रिपेयर करदे एक्जाम बहुत इजी हम बुझे लगे फ्रेंड्स चलन पुणी देखा ये कौन देती द डोमेस्टिकेटेड कैटल सीप एंड गोट तो से डोमेस्टिकेटेड कौन कौन करते कैटल को करते कैटल मैंने कौन ये गृहपात जो पशु देखो ये मेढा हो डग्स हूँ कैटल है आपंकर बाछुरी गाई युवाक मैंने से मैंने डोमेस्टिकेसन करुले पशु पालुले देन आपंकर सीप होगा देन आपंकर गोट मैंगला बुझेल तो ये गुड़ाक से कौन करते घर पालु थिले देन ये देखो कौन दे वोप कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथेस माने से माने कपड़ा तैयारी करने सूता और पशम को बुणुते कौन करते फ्रेंड्स माने कपड़ा जो पिंधुले से माने कौन तैयारी करते वूल को आणुते वूल माने पशम देन आपंकर कॉटन व्यवहार करते ओके फ्रेंड्स तो पशम को कॉटन को निजर कपड़ा तैयारी प्रस्तुत करते ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आपंकर नेक्स्ट पॉइंट देखो ये कौन रहा हैंडमेड पॉटरी एंड यूज ऑफ पॉटर विल फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज हैंडमेड पॉटरी जो गुड़ाक फ्रेंड्स आम देखते जो पात्र गुड़ाक कराए जमी माठिया हो हाँ होगा कौन आम जो कुंभारखाना तैयारी कराए हस्तनिर्मित कुंभार और कुंभार चक्र व्यवहार प्रथम नियोलिथिक एज्रे देखा जाता है यहाँ आप भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंटा जे फर्स्ट नियोलिथिक एज्रे ही पॉटरीटा जो आम मानने कुंभार पाखे जो या मटी जो मटी कम से गुड़ाक फास्ट आप नियोलिथिक एज्रे ही देखा जाता बुझेगा फ्रेंड्स चलो आम नेक्स्ट पेज को जी नेक्स्ट पेज देखो फ्रेंड्स ये आपंकर कौन रहा नियोलिथिक मैन लिव्ड इन केव्स एंड डेकोरेटेड देयर वॉल्स विथ हंटिंग एंड डांसिंग सेंस तो ये कौन रखा मैंने जो नियोलिथिक फेज्र लोक मैंने बचुले कमी नाइन केव्स तो केव्स से रोते स्टिल न घर कर घर को कमी बनाए से विषय से समय ज्ञान ना तो केव्स से रोते डेकोरेटेड करुते कौन से जो केव्स वॉल गुड़ाक जो गुंफार से कांथ गुड़ाक कौन करते मैंने पुरुष मैंने गुंफारे रोते से कांथ को कौन करते हैं शिकार और नृत्य सेन्स सजाई रखुते हंटिंग आउ डांसिंग सेन्स मैंने से मेन से कम कौन थी फ्रेंड्स आप हंटिंग करते खाद्य जेहेतु से फार्मिंग करते आउ फार्मिंग सहित मैंने जो पशु गुड़ाक मारे हंटिंग करते तो से ही जिनस गुड़ाक से कौन करते ना कांथ से सजाई देते ओके फ्रेंड तो वाले सजा देते फ्रेंड्स ये गोटे मैं आप पिक्चर देखे थी ये देखो से वाले देखो कौ टाइप पिक्चर सड़ा सब करदे हंटिंग हो कि लाइफ स्टाइल हो तारी उपर से पिक्चर से वाले बन दिखाते कौन मैंने बनाऊ फ्रेंड्स ये आपंकर नियोलिथिक एज्र लोक मैंने बुझेगा फ्रेंड्स तो से जो गुंफारे रोते से वाले को ही हंटिंग बा डांसिंग सेन्स कौन पेंटिंग कर दे बुझेगा फ्रेंड्स तो पेंटिंग नियोलिथिक एज्र लोक मैंने करुते नेक्स्ट पॉइंट ये देखते ये कौन दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोर्ड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ये देखो तो कौ फेज्र लोक मूँ कौन करते ना बोट बनवा आसूला जो बोट आम जो बोट गुड़ा जो जहाँ भी नदी एथेर चलुच्छे गुड़ा सब बोट को किए बन पारे ना फास्ट नियोलिथिक एज्र लोक मैंने फास्ट बोट को बनई पारे तो दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट्स मैंने डंगा तैयारी कर कला जानी बुझेगा फ्रेंड्स से टाइप चलते नेक्स्ट पॉइंट रेट देखा कौन ना इन द लेटर फेज पीपुल लिव्ड इन ए मोर सेटल्ड लाइफ एंड लिव्ड इन ए सर्कुलर एंड रेक्टांगुलर हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड रीड माने परवर्ती पर्यायर लोक मैंने धीरे धीरे जितेबाला नियोलिथिक एज्र लोक मैंने फर्स्ट रु बची आसे देन पर स्टेज को आसिले मैंने नियोलिथिक एज्रे ही धीरे धीरे से आगे गति कले तापर से कौन शिखिले ना से अधिक स्थिर जीवन अतिवाहित करेंगे धीरे धीरे सेटल हो गले जेहेतु से फार्मिंग फास्ट जाणीगले देन ता सहित हंटिंग करुते सहित डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मैंने पशुपालन करुते बुझे फ्रेंड्स
ତାପରେ ପୁଣି ବୋର୍ଡ଼ ବନେଇବା ଶିଖିଗଲେ, ତା ସହିତ ପଟେରୀ ମଧ୍ୟ ବନେଇଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଲେ, ମାଟି କାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଶିଖିଯିବା ପରେ ମଣିଷ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଟେଲ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟିଲ୍ ନାଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିନଥିଲା, ବୁଝିଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବାରୁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ହାଉସିଂ କଲା। ହାଉସିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତ ହାଉସିଂ କରିବାଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଇଗଲା ଲାପରେ, କାରଣ ସେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ରହିଲାନି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲା। ତ ଏଇ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଲୋକମାନେ ମୋର ସେଟେଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଲିଫ୍ଟ କଲେ ଇନ୍ ଏ ସର୍କୁଲାର ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍କୁଲାର ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଉସେସ୍ ମାନଙ୍କର ରହିଲେ, ବୁଝିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେମିତିରେ ନା, ମଡ଼ ଆଉ ରିଡ଼। ମଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଦୁଅ, ଆଉ ରିଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଲେଖାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ା। ତ ନଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଛଣ ଆଉ କାଦୁଅରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଝାଟି ମାଟି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏବେ ତ ସେମିତି ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଫର୍ମରେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଶିଖିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଟେଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରକୁ ବନେଇଲେ, କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବା, ବୁଝିଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, କୋଲ୍ଟିହା ଇନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଣି, କୋଲ୍ଟିହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା। ରିଭିଲ୍ଡ ଏ ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ କଲ୍ଚର ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍, ନିଓଲିଥିକ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍। ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଲ୍ଟିଆରେ ତିନି ଗୁଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ରମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ କୋଲ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲା, ସେଠି ତିନିଟା ଯାକ ଏଜ୍ର, କେଉଁ କେଉଁ ଏଜ୍, ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍। ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଆପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ଟା ତାପରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୌହ ଯୁଗ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏଭିଡେନ୍ସ, ବା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ମାନେ ତା'ର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ, କିଛି ଟ୍ରେସେସ୍ ପାଇଲେ, କ'ଣ ସେଠି ଟ୍ରେସେସ୍ ପାଇଲେ, ଏଇ କୋଲ୍ଡିଆରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଲ୍ଡିଆରେ ତିନିଟା ଯାକ କଲ୍ଚର, ନିଓଲିଥିକ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଠି ଆମର ପାଇଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଲ୍ଡିଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କୋଲ୍ଡିଆଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପର୍ଟିକୁଲାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ହେଇନଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀଟା ତା ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡିଆଟି ଏଠି ତା ଭିତରେ ଏଠି ଆସୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ବୁଝିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମର ଏଇଠି ରହୁଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଲ୍ଡିଆରେ ହିଁ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼, ମେହରଗଡ଼ ଇନ୍ ବଲୁଚିସ୍ତାନ, ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପୁଣି ମେହରଗଡ଼ରେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ନା, ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍, ମାନେ ସର୍ବପୁରାତନ ନିଓଲିଥିକ୍ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼, ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ନିଓଲିଥିକ୍ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700, ବୁଝିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 700 BC, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ମସିହାର ହିଁ ସେ ଜାଗାଟା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ନିଓଲିଥିକ୍ ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ହେଉଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ, ମାନେ ଏବେ ତ ବାହାରେ ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆସୁଥିଲା। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେହରଗଡ଼ ଏଠି ରହିଲା, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏଇଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ଏଇଟା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ଟା ରିଅଲରେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାରି ବଲୁଚିସ୍ତାନ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଲୁଚିସ୍ତାନ। ତ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ମେହରଗଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ମେହରଗଡ଼ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ, ଏବେ ବି ସେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମେହରଗଡ଼ ହିଁ, ସେଇଟା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମିଳିଲା ନା, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ସେଇଟାକୁ ମନାଯାଉଛି, କେଉଁଟା, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମେହରଗଡ଼। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାର ବାର ପଚାରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଛୋଟନାଗପୁର ରିଜନ, ଛୋଟନାଗପୁର ରିଜନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଲା। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭରର ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଛୋଟନାଗପୁର ରିଜନରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳେ, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ବାଲେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ବିନ୍ଧ୍ୟସ୍, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଲେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ବିନ୍ଧ୍ୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ମଦା। ତ ନର୍ମଦାର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଭ୍ୟାଲିର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟ ଏବଂ ବାଲେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିର ସରି ବାଲେନ୍ ଭ୍ୟାଲିର ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ତିନିଟା ଯାକ ଫେଜେସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର ସେଇଟାକୁ ଶୋ କରେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣି ଟପିକ୍ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା।
कौन ना कौ कौ जगह गुड़ाक जो तीनटा जगह स्टोन है जोटा रहा कौन पैलियोलिथिक मेजोलिथिक आउ नियोलिथिक तीन टा जगह रहा फेज जोटा तीन टा जगह फेज एविडेंस कौटी मिले आमको बालियन वैली ऑफ विंध्यस आउ मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली बुझेगा फ्रेंड्स। तो मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली बालियन वैली ऑफ विंध्यस तीन टा जगह स्टोन एज फेज टी देखा मिले बुझेगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पार्ट को जीवा। तो फ्रेंड्स आपंकर नियोलिथिक रे जेति इंपोर्टेंट पॉइंट रहुतला से गोडा काम बर्तन सारी दिछे। नेक्स्ट टाइम ता पुरक जुवा आपंकर जो सॉरी फ्रेंड्स ता पुरपुर माने ऑफिशियली जोटा कहउछ आमे आपंकर स्टोन एसटी बर्तन सॉरी जाइछि किंतु या पर मते स्टोन आहुरी मते आगु को ता पर से व्यवहार करथिले। ओके फ्रेंड्स माने ऑफिशियली जोटा तीनटा भाग रे विभक्त कराइतला सेटा बर्तन आपंकर सॉरी गला। नेक्स्ट जो पार्ट आपंकर चालकोलिथिक एज आसला बा चालकोलिथिक कल्चर आसला सेथिरे मध्ये आपंकर स्टोन व्यवहार हेतला किंतु ता सहित कौन होता आपंकर मेटल टी फास्ट टाइम व्यवहार होता है। चालकोलिथिक एज्र खासियत कौन बा माने महत्व कौन एज्रे फास्ट टाइम पे मेटल यूज होता मेटल माने कौन आपंकर धातु यूज होता फ्रेंड्स कौन होता फास्ट टाइम पे आपंकर धातुटी व्यवहार होता कि पूर्व जिते भी सब किसी खाली पथर ही व्यवहृत होता। ये चालकोलिथिक एज्र पीरियड टी फ्रेंड्स आपंकर रोचे 2800 ख्रीष्टपूर्वर 700 ख्रीष्टपूर्व बुझेगा फ्रेंड्स। तो चालकोलिथिक एज्र पीरियड आप 2800 ख्रीष्टपूर्वर 700 ख्रीष्टपूर्व देन देखो ये पॉइंट कौन देला फर्स्ट पॉइंट देला द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ मेटल्स। ओके फ्रेंड्स तो नियोलिथिक पीरियड एंड ही माने एंड पार्ट रे ही आमको मेटल्स टी मिल जाइथला से फेज टी ना स्टोन एज रहिला नाही। ओके फ्रेंड्स तो नियोलिथिक समय शेष ही धातुर व्यवहार देखाला से फेज टी को संपूर्ण आउ जो आमर स्टोन एज रे ही अधिक इनक्लूड करागला नाही किंतु एतरे स्टोन यूज होउथिला से एतरे लिथिक रो नाँ टी देखों फ्रेंड्स एटी रहिगला चालको मीन्स आपंकर आसलारी से धातुटी ना ये कितु मुझे रखुच्छे ये जो धातुटी मिलता फास्ट टाइम पे सहीटा आपंकर कपर धातु कौन फ्रेंड्स मिलता कपर धातु माने कपर धातु हूँ जोटा फास्ट टाइम पर मनीष व्यवहार कर फास्ट टाइम पर मनीष व्यवहार करता कौन कपर मेटल को सी मनीष फास्ट टाइम पर व्यवहार करता तो से कपर मीनिंग हूँ चालको देन लिथिक हूँ आप स्टोन। ओके फ्रेंड्स तो चालको हूँ कपर देन आप लिथिक है स्टोन तो कपर आउ स्टोन एज कपर प्लस स्टोन एटा हूँ मिश्रण एज या बुझेगा देन देखो नेक्स्ट पॉइंट ये कौन देला कपर वाज द फास्ट मेटल टू बी यूज तो ये फास्ट टाइम पर आम कौ मेटल यूज होता वर्ल्ड जो मनीष फास्ट टाइम देखा से कपर मेटल बुझेगा फ्रेंड्स। देन देखो चालकोलिथिक कल्चर्स रेफर्स टू द स्टोन कपर फेज बुझेगा फ्रेंड्स मुझे क्या कथा कहली चालको मीन्स कपर देन आपको लिथिक है स्टोन तो मिसिक कौन स्टोन कपर फेज। ओके फ्रेंड्स यही फेज्रे स्टोन सहित कपर मेटल टी व्यवहार है पीपुल अल्सो यूज हैंड एक्सेस या पूर्व एक्सेस यूज करते देन एतरे भी से हैंड एक्सेस यूज कले एंड अदर ऑब्जेक्ट्स से जो अलग किसी ऑब्जेक्ट व्यवहार कले कि से गुड़ाक कौतरे तेरी मेड अप ऑफ कॉपर वेयर रे तैयारी था। ओके फ्रेंड्स हैंड एक्सेस कि अलग जो टूल्स गुड़ाक बर्तन मेटल रे तैयारी करागला या पूर्व स्टोन तैयारी किंतु या परे परे जो मेटल आविष्कृत हो गला देन तापर कौन होगा ना से मेटलटा को व्यवहार करले विभिन्न प्रकार टूल्स को बनवाई बुझेगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये कौन इंपोर्टेंट पॉइंट है दे वेनेरेटेड द मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल से क्या पूजा करते फ्रेंड देखो वेनेरेटेड मैंने पूजा कर मानवा मदर गॉडेस को पूजा करते मदर मदर गॉडेस माने कौन देवी माँ को पूजा करते कि देवी माँ फ्रेंड्स ये देखो से टाइम आम कौन प्रकार देवी मूर्ति नाला। ओके फ्रेंड्स तो मूर्ति जहाँ भी एम सब अच्छी से गुड़ा से किसी नाला से मैंने गोटे माँ को पूजा करते से माँ हूँ कहते शक्ति। ओके फ्रेंड्स कौन कहते ना शक्ति से शक्ति को ही से पूजा करते कौन से मूर्ति नए तो से कौन करते ना माँ को पूजा करते से शक्ति से माँ को से शक्ति मानते शक्ति को ही से पूजा करते। ओके फ्रेंड्स एवं सी वर्शिप करते आउ क्या देवता हिसाब से बुल को पूजा करते षंड को पूजा करते टाइम ये आप इंपोर्टेंट परीक्षा बार बार पचार विषय तो से मूर्ति को पूजा कर ना से कौन करते मूर्ति से तो ना से शक्ति पूजा करते जोटा हूँ मदर गड़े जोटा कहते मैंने पशु मानक मध्य से क्या पूजा करते बुल को पूजा करते षंड को से पूजा करते माता देवी को एवं षंड को पूजा करते। द पीपल ऑफ चालकोलिथिक कल्चर वर द फास्ट टू यूज पेंटेड पटेरी तो फास्ट टाइम पे जितने पटेरी तो पूर्व जो नियोलिथिक फेज आपने व्यवहार करते किंतु चालकोलिथिक फेज्रे कौन कले ना फास्ट टाइम पे पेंटेड पटेरी यूज कले इंपोर्टेंट ये कथा आपला पटेरी सहित पटेरी पेंटिंग से कले तो पेंटेड पटेरी से धीरे धीरे व्यवहार कले फर्स्ट टाइम पर कौदे चालकोलिथिक एज्रे ब्लैक एंड रेड पटेरी पेंटेड विथ व्हाइट लाइन डिजाइन वाज मोस्ट पॉपुलर तो कौटा सब बेस्ट पॉपुलर थी आपंकर ब्लैक सहित ब्लैक आउ रेड पटेरी। ओके फ्रेंड्स कि मझे कौन देना पेंटेड विथ व्हाइट लाइन डिजाइन। ओके ब्लैक आउ कला
नालीर जो पात्र गुड़ाक या कौन करूँगा ना ह्वैट्र लाइन गुड़ा बनिया होता से लाइन थ्रु में कौन से अधिक टी मैंने भल देखा से टाइम से मोस्ट पॉपुलर थिला। ओके फ्रेंड्स मैंने से टाइम जो धला रेखा डिजाइन सहित चित्रित और कला नाली कुंभार गुड़िकर से गुड़िक कौन सब लोकप्रिय थिला बुझीगला। चलता नेक्स्ट आठ कौन दे द मालवा वेर कनसीडर्ड द रिचेस्ट अमंग द चालकोलिथिक सेरामिक्स। तो मालुआ कौन थी ना से टाइम मालुआ जोटा रही था आपंकर वेर द कनसीडर्ड द रिचेस्ट अमंग द चालकोलिथिक सेरामिक्स। तो चालकोलिथिक फेज रे मालुआ जो जगह थी से सब रिचेस्ट थी मानने सब धनी थी। ओके फ्रेंड्स सब अधिक से ही मानने धातु गुड़िक मिले बुझेल फ्रेंड तो मालुआ वेर द वेर इज कनसीडर्ड मालुआ गोदाम ये देखो चालकोलिथिक सेरामिक्स मध्य मालुआ गोदाम सबुठ धनी बेचित कर बुझेगा कि देन पॉइंट देखो इंपोर्टेंट साइट ऑफ दिस फेज मैंने जो चालकोलिथिक एज रे जो जो साइट गुड़ाक मैंने मोर इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन परीक्षा पचार तो मो साइट गुड़ा कौन कौन रोचना आप राजस्थान आसरी देन से महाराष्ट्र पल वेस्ट बंगाल में फेज देखा जाए बिहार देखा जाए मध्यप्रदेश में ये फेज रे किसी एविडेन्स मिली तो यही स्टेट गुड़ाक कौन ना चालकोलिथिक एज र से मैंने एविडेन्स मिली से स्टेट गुड़ाक चालकोलिथिक पीरियड पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुझेगा फ्रेंड्स। तो चालकोलिथिक एज आपर सरी जाइए टॉपिक रे जैसे ये चैप्टर जितने सब आपको इंपोर्टेंट रहा से इंपोर्टेंट पॉइंट आपको आम आज एगुड़ाक सारी देखे। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जब भिडियो भल लगी देन आमर ये चैनल को ये भिडियो लाइक करूँ और जब आप चैनल यही टाइप भिडियो को पाइबा चाहूँ तो इमिडियेटली आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और भिडियो को शेयर करने को भूलो ना।